मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त तो कर दिया, लेकिन आज की जो जरूरत है वो मैं समझती हूं कि वो जरूरत है कि हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त भारत करने के लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। इनके नसों में पाकिस्तान का खून दौड़ रहा है, इनको अपनी औकात दिखा दो हिंदुस्तानियों, ये समय आ गया। आज जरूरत इस बात की है कि तुम्हें बहनों और बेटियों को कब्र से निकालो और उनकी लड़ाई के साथ बलात्कार करो, उनकी लड़ाई के साथ बलात्कार करो। आज ये समय की मांग है उनको, और यह कर सकती है, संघर्ष जीवा शक्ति कर सकती है। आज के अवसर पर केवल इतना निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बात तो बहुत सी थी, अवसर नहीं है, समय नहीं है, फिर आपके बीच में। क्या ये सच नहीं है कि देश में जितने आतंकवादी गतिविधि में लोग पकड़े जा रहे हैं वो एक समुदाय से जुड़े हैं? उस काली के साथ स्वयं लिप्त होकर के उसको अपने मुंह पर अपने चेहरे पर पोतने का कार्य कर रहा है, और ये युवा आज आया है यहाँ पर उस काली को पोतने के लिए, उस कालिक से मुंह साफ करने के लिए, बताने के लिए कि नहीं, ये कालिक मुंह पे नहीं लगना चाहिए, इसको हटाइए, और अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान समर्थक तत्व तो बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता हो पाकिस्तान चले जाए, अच्छा लगता हो पाकिस्तान चले जाए। शिक्षण राष्ट्र विरोधी छे, अल्ट्रा महावीर विचारधारा वाला जो मदरसाओ जे छे, ये मदरसाओ आतंकवादनी फैक्टरीओ छे, ये मदरसाओ आतंकवादनी फैक्टरीओ छे, आतंकवादियों पैदा करवाना आ कारखाना छे। मुश्किल हो जाएगा। मैं मुसलमानों को चेतावनी दे रहा हूँ कि गुजरात शायद आप भूल गए होंगे, पर मुजफ्फरनगर आप नहीं भूले होंगे।